अभी तक हल्दी घोल के नहीं रखी है, इस घर में तो कोई काम ना मेरे बगैर होता ही नहीं है। ओहो एक मिनट बेटा हट जरा, पता नहीं अगर मैं ना हूं ना तो इस घर में कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है, सब लोग तो आराम से खड़े रहते हैं। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ठीक तो कह रही हूँ, अरे अभी तक हल्दी भी नहीं घोली, कब बुलबुल आएगी, कब हल्दी लगेगी? क्या हल्दी वही रखी है माँ? मैंने ही रखी है, मुझे पता है इतने सारे काम होते तो भूल जाती हूँ ना मैं, हमेशा मेरे को बस ऐसी। पता है दादी, जब से मैं ससुराल गई हूँ ना और कुछ ना सही, लेकिन माँ का ऐसे भूल जाना, बेवजह परेशान होना बहुत मिस करती हूँ। अब यहाँ आई हूँ ना, मन करता है रोज माँ को परेशान करूँ, वापस ही ना जाऊँ। ऐसे नहीं बोलते, अरे ये तो तेरा अपना घर है ना, तेरा जब मन चाहे तू यहाँ आ सकती है, लेकिन बेटा वो तेरे पति का घर है, अब वही तेरा घर। सरला अब तेरा इस लाडली के साथ ये रूठना मनाने का ड्रामा पूरा हो गया हो तो जरा दूसरी लाडली की तरफ भी ध्यान दे, अगर उसको अभी हल्दी नहीं लगाएगी ना तो उसे तो शादी का ऐसा बुखार चढ़ा है, वो तो बिना हल्दी लगाए ही विदा हो जाएगी। वैसे मैंने सुना कि शादी में हल्दी इसलिए लगाते हैं ताकि चेहरे पे ग्लो आए। मुझे नहीं लगता बुलबुल को हल्दी लगाने की जरूरत है, वैसे भी इसके चेहरे पे इतना ग्लो है, शादी वाली रात कितना होगा। दी तू देखना ये लोग मुझे कैसे चिढ़ा रहे। मैं क्या बोलूं, जब तू इन्हें बोलती थी तुझे चुप कराती थी मैं, आज तेरा बस एक ही काम है, चुपचाप यहाँ बैठ सबकी बातें सुन और शर्मा। ऐसे शर्माती रह, चल भाई गाना शुरू करो। अरे बड़ी बहन करेगी ना, चल प्रज्ञा। हाँ दादी। बेटा मैंने सिर्फ इतना पूछना था, वहाँ हल्दी की रस्म ठीक ठाक चल रही है ना, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं दादी बिल्कुल नहीं, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। तू मेरी ना सरला जी से बात करवा। अरे वो बुलबुल को हल्दी लगा रही है। बेटा हल्दी की रस्म की मुझे फोटो जरूर भेज देना है, मैं देखना चाहती हूँ बुलबुल कैसी लगती है हल्दी में, है? जल्दी भेजती हूँ दादी, बस थोड़ी देर में फोटो खींच के आपको भेजती हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा। अरे जयमाला का टाइम होगा, जयमाला नहीं आई अभी तक, ये सारी चीजें पहले अरेंज होनी चाहिए थी। पागल है इतनी जोर से क्यों बोल रहा है, काम डाउन, वेट आई अरेंज फॉर इट। रचना तुम क्यों उठा कर लेकर आ रही हो, घर में और नौकर भी है। क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रही हूँ? हाँ दादी, यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही आ गया। शादी पूरब की हो रही है और मच्छर आलिया लग रही है। कितनी जिम्मेदारी को समझने लगी है मेरी बच्ची। अरे प्रज्ञा इसे कहाँ लेकर जा रहे हो, अभी तो सिर्फ वरमाला हुई है, शादी की तो सारी रस्में बाकी है। रस्मों में अभी थोड़ा वक्त है ना भाभी, इसलिए बुलबुल से कहा है कि थोड़ी देर आराम कर लेगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा है आराम कर लो, शादी में तो अभी बहुत टाइम है। रचो भाभी आप लोग बुलबुल को लेकर ऊपर जाइए, मैं अभी आती हूँ। हाँ अच्छा बुलबुल अच्छा। उफ दी ये दुपट्टा निकाल में प्लीज मेरी मदद कर, आराम से देख देख खराब हो रहा है। ओ दीप कितना हैवी है सब कुछ, और ये नोज पिन हमेशा गिरती रहती है, बाल खराब हो जाएंगे। अगर थोड़ी देर और पहना ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, इतना हैवी लड़की कैसे पहन सकती है दीप? एक एक चीज तूने खुद सिलेक्ट की है ना, फिर खुद क्यों नुक्स निकाल रही है? क्या पता था दी कि ये इतना भारी होगा, मुझे सुंदर लगना है, थका हुआ नहीं, और ये इयर रिंग्स भी। आराम से लग जाएगी दी, ये भी अटकाओ, जुड़ा जुड़ा खुल जाएगा। बुलबुल क्या कर दी, मेरे बाल खींच रहे। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट हो गया। हाँ दी कितना बेटर लग रहा है, अब तो इधर बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर। ओफो दी लेकिन इस दुपट्टे का पीछा छोड़ेगी, चुपचाप बैठ, मैं पानी लेकर आ रही हूँ ना। हाँ।